हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले रेलवे ग्रुप डी के 17 सितंबर से लेकर के अभी तक पूछे गए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और इससे पहले भी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें एक वीडियो में मैंने कवर किए थे सारे के सारे जी के और साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, और एक वीडियो में मैंने कवर किए थे मैथ के क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में उन वीडियो को भी देख लेना तो आपका पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, एक रिवीजन हो जाएगा। और देखिए रीजनिंग के तो सारे के सारे टॉपिक भी कवर हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली वीडियो, ठीक है। और प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और जो चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास आगे भी इसी तरीके की सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि काउंटिंग फिगर से है और ये पहले आ चुका है। तो कैसे करना है, देखिए जब भी इस तरीके का काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो देखिए जब भी ट्रायंगल को आप इस तरीके से लाइन से कट कर देते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल बन जाते हैं तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 1 2 3 4 चाहे और जितने कर लो इसको, ठीक है 5 6 आपको बस ये करना है और उनको प्लस कर देना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 तो कितने हो जाएंगे, 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको इजीली बना लेंगे। मिरर इमेज की बात की जाए तो GI की एक बारी मिरर इमेज पूछी गई थी, तो यहाँ पे आई, देखिए मिरर के पास में कौन सी चीज़ है, आई है, तो यहाँ पे आप आई लिखेंगे और आई मिरर इमेज में बिल्कुल सेम रहता है, उसकी कोई भी मतलब फिगर चेंज नहीं होती है, ठीक है। जी आपका चेंज हो जाएगा तो जी को हम इस तरीके से लिख देंगे। जी को इस तरीके से क्यों लिखा है आप समझिए थोड़ा सा, कि मान लीजिए मिरर आपका यहाँ पे रखा है और जी आपका ऐसे लिखा है, तो जी का ये वाला पोर्शन जो है आगे वाला, ये समझिए ये वाला जो है ये मिरर के पास में है, तो अभी भी ये मिरर के पास में होना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से मिरर के पास में आएगा तो ये हो जाएगा आपका जी का ये वाला पोर्शन, तो ये कुछ इस तरीके से इमेज बन जाएगी, ठीक है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, अभी स्टार्टिंग है, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, बस वीडियो का आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि कुछ बढ़ई सुनार होते हैं कुछ सुनार नहीं होते हैं, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको क्या बनेगा, कुछ बढ़ाई जो आपके बढ़ाई है वो सुनार होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपने बना लिया, और कुछ सुनार नहीं होते हैं तो कुछ सुनार आपके नहीं हो जाएंगे इस तरीके से, तो आपका ये वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब देख लेते हैं इसमें निष्कर्ष क्या क्या दे रखे हैं। कुछ नहीं बढ़ाई होते हैं तो कुछ नहीं, नहीं और बढ़ाई के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है ना, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, मतलब ये हो नहीं सकता। फिर दूसरा बोला गया कि कोई बढ़ाई नहीं नहीं होते हैं, तो बढ़ाई और नहीं के बीच में क्या रिलेशन है, नहीं का दे दिया, तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि जब दो के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है और उनके बीच में दोनों कंडीशन दे दी जाती है, एक बार तो दे दी जाती है कि उनके बीच में कुछ का रिलेशन है और एक बार दे दी जाती है उनको कोई भी बढ़ाई नहीं नहीं है, यानी कि एक बार दे दी जाती है उनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम आंसर क्या लगाते हैं, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड आंसर होगा। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें कि इसमें ये लगाएं या फिर दोनों गलत कर देते हैं, तो यहाँ पर गलत नहीं करना है, आपको ऑप्शन में एक ये भी ऑप्शन मिलेगा कि या तो वन या फिर सेकंड राइट आंसर होगा। इस ये तब कंडीशन होती है जब इन दोनों के बीच में रिलेशन तो बताया नहीं गया बट जो आपके निष्कर्ष निकल रहे हैं उसमें निष्कर्ष में एक में तो बताया गया कि कुछ नहीं बढ़ाई होते हैं और एक में बताया गया कुछ बढ़ाई नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सभी गेट दरवाजे हैं, तो सभी गेट दरवाजे हैं, यानी कि आपने गेट का वेन डायग्राम बनाया ये वाला और इसके ऊपर को बना दिया दरवाजे वाला और सभी प्रवेश गेट हैं, तो इस तरीके से आपका कोई वेन डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले आपने बनाया गेट का डायग्राम और उसके ऊपर को बन गया दरवाजे, सभी गेट दरवाजे हैं, और उसके बाद बोला गया कि सभी प्रवेश गेट हैं, तो सभी के सभी आपका जो प्रवेश वाला होगा सभी के सभी प्रवेश आपका गेट बन जाएंगे इस तरीके से। तो निष्कर्ष देखिए क्या क्या निकल रहा है, ये प्रवेश इसके अंदर बाद में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि सभी के सभी प्रवेश गेट हैं, ठीक है, दूसरी लाइन में बोला गया तो प्रवेश को हमने इसके अंदर रख दिया गेट के। यहाँ पे निष्कर्ष निकलना है कि सभी प्रवेश दरवाजे हैं, तो सभी के सभी प्रवेश जब गेट हो सकते हैं और गेट किसके अंदर है, दरवाजे के हो सकते हैं, तो दरवाजे के अंदर ये है तो सभी के सभी प्रवेश भी दरवाजे हो सकते हैं और सभी के सभी गेट तो दरवाजे हैं ही, ठीक है, तो ये राइट आपका हो जाएगा।
ठीक है भाई, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि जब इसके प्रवेश किसके अंदर है, गेट के, और गेट किसके अंदर है, दरवाजे के। तो दरवाजे के अंदर गेट भी है और प्रवेश भी है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो आपका ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि सभी दरवाजे प्रवेश हैं, तो सभी दरवाजे प्रवेश नहीं हो सकते हैं, वो कंडीशन कब सेटिस्फाई होती, जब दरवाजे वाला बाहर वाला डायग्राम होता और इसके ऊपर को आपका प्रवेश वाला डायग्राम बन जाता, तो उस कंडीशन में सेटिस्फाई होता कि सभी दरवाजे प्रवेश हैं, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपको बनाना है डॉक्टर, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर्जन होता है वो भी डॉक्टर है, और न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो भी डॉक्टर है, और ये कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट आपके सर्जन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है भाई, इनके बीच में रिलेशन तो है, ये रिलेशन को शो नहीं कर रहा है, इसको कट कर देंगे। अब ये रिलेशन को शो कर रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर सर्जन है और कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट है, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के दोनों ही आपके डॉक्टर होते हैं। फिर यहाँ पे ए दो के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है और एक के बीच में नहीं, तो इसको भी हटा देंगे। अब बचा हमारा ये वाला, ये क्या बता रहा है कि कुछ सर्जन आपका न्यूरोलॉजिस्ट है और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट आपके सर्जन है और दोनों के दोनों डॉक्टर हैं, तो सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका कथन, सभी फोटो हस्ताक्षर हैं और सभी ट्यूब्स हस्ताक्षर हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी फोटो भी हस्ताक्षर हैं और सभी के सभी ट्यूब्स भी हस्ताक्षर हैं, तो फोटो और आपका ट्यूब को कैसे कवर करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका कुछ बन जाएगा वेन डायग्राम। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि फोटो और ट्यूब किसके अंदर है, हस्ताक्षर के, तो ये वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। इसमें कंक्लूजन क्या क्या है, निष्कर्ष क्या क्या है, कम से कम कुछ ट्यूब्स फोटो है, कम से कम कुछ ट्यूब फोटो है, तो फोटो और ट्यूब के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, तो इसको हम राइट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कोई बोली बताया नहीं जा सकता है। फिर यहाँ पे बोला सभी फोटो ट्यूब्स है, तो सभी के सभी फोटो भी ट्यूब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो सभी तो कैसे हो सकते हैं, सभी भी नहीं होंगे, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वेन डायग्राम से, ठीक है, अभी मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो कभी कभी दो तीन क्वेश्चन लगातार भी एक ही उससे आ सकते हैं टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पे है कि लड़का, खिलाड़ी और छात्र के बीच में वेन डायग्राम बनाइए। तो वेन डायग्राम के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो लड़का, खिलाड़ी और छात्र, अब ये बताइए कि भाई जो लड़का होगा वो छात्र भी हो सकता है, और लड़का और छात्र दोनों के दोनों खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्या पता कोई छात्र भी हो और लड़का भी हो और खिलाड़ी भी हो, या फिर कुछ लड़के आपके खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर कुछ छात्र आपके खिलाड़ी हो सकते हैं। तो आपका इस तरीके से ये वेन डायग्राम बन के तैयार होगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों सम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे भाई, सभी के सभी लड़के भी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और सभी के सभी छात्र भी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को इसलिए इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि रेशनलाइजेशन के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहां पे आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक चीज देखनी है, जो नीचे आपको वर्ड्स लिखे होंगे उनको चेक करना है ऊपर से, कि वो सारी की सारी जो भी अल्फाबेट को यूज करके बनाए गए हैं वो सारे ऊपर से लिए गए हैं क्या। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान होता है करना, देखिए जैसे यहाँ पे आपको चेक करना है इसको, तो एस ई एन, देखिए यहाँ पे एस भी है, ठीक है, तो ई नहीं होता है इसमें, तो इसको हटा देंगे, फिर ई इसमें भी आ गया, इसको भी हटा देंगे, फिर ई इसमें भी आ रहा है, इसको भी हटा देंगे, बस इसमें नहीं आ रहा है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि इस तरीके से आप कर लेंगे, तो देखिए मैंने बस एक वर्ड ढूंढा आपका कि इसमें ई है, और ई इसमें रेशनलाइजेशन में कहीं नहीं होता है, तो आपका ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों को हटा दीजिए, आपका राइट आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन, जैसे ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी मेडल जीतकर ला रहे हैं, तो क्या हमें बच्चों को ओलंपिक में भेजना चाहिए, निष्कर्ष यहाँ पे क्या क्या है। हाँ, इससे भारत को और भी मेडल मिलेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर बच्चों को ओलंपिक में भेजा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो मेडल बढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ इससे भारत को और भी मेडल मिलेंगे, तो हम इसको राइट बोल सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है, नहीं, इससे बच्चों की पढ़ाई से
ध्यान हट जाएगा, तो इसको बोलना यहाँ पे उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जैसे ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी मेडल जीतकर ला रहे हैं तो क्या हमें बच्चों को ओलंपिक भेजना चाहिए, तो ओलंपिक भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए से आंसर आना चाहिए था, नहीं इससे बच्चों की पढ़ाई से ध्यान हटेगा या नहीं हटेगा उससे यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, पहले वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सभी पुस्तकें डिब्बे हैं और सभी डिब्बे कलम हैं और सभी कलम कागज हैं, तो इस तरीके से आपका कुछ बन जाएगा कि सभी के सभी पुस्तक आपकी डिब्बे हैं, ठीक है, सभी के सभी डिब्बे आपके कलम हैं और सभी के सभी कलम आपके क्या है कागज है, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन दिए गए हैं, पहला कंक्लूजन है कि कुछ कागज पुस्तकें हैं, कागज और पुस्तकों के बीच में रिलेशन है, कुछ का तो है ही, ठीक है, और सभी के सभी पुस्तकें आपकी कागज भी हैं तो कुछ तो हो ही जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले वाला। नेक्स्ट बोला गया है कि सभी पुस्तकें कागज हैं, सभी के सभी पुस्तकें जो मैं अभी बताया आपको कि सभी के सभी पुस्तकें कागज तो है ही, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कलम पुस्तकें हैं तो आपकी कुछ कलम भी पुस्तकें हो जाएगी। देखिए जब भी आपका इस तरीके से वेन डायग्राम बना होता है सब वाली कंडीशन में कि सभी पुस्तकें आपके डिब्बे हैं, सभी डिब्बे आपके कलम हैं और सभी के सभी कलम आपके कागज हैं, तो इसमें कुछ वाली कंडीशन सबके साथ में सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि पुस्तक डब्बों के अंदर है, डब्बे आपके कलम के अंदर है और कलम आपके कागज के अंदर है, तो इनके बीच में सम वाली कंडीशन सबके बीच में रहेगी, तो सम यानी कि कुछ वाली कंडीशन तो आपकी हर जगह सेटिस्फाई रहेगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे गलती से भी अगर ये बोल दिया जाए कि सभी के सभी कागज पुस्तकें हैं तो वो गलत हो जाएगा, या सभी के सभी डब्बे आपके पुस्तक है वो भी गलत हो जाएगा, सभी के सभी कलम आपकी पुस्तकें हैं वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक सबके अंदर है और ये बाहर वालों को कभी कवर नहीं कर सकती है, सब में कुछ में कर सकती है बट सब में नहीं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरर इमेज बतानी है रेट की, तो बहुत ही सिंपल है, मिरर इमेज रेट की बतानी है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर मिरर इस तरीके से रखा है उसके साइड में टी रखा है तो आपको क्या करना है, इस टी से जो ये टी है इसको बिल्कुल साइड में लेके आना, दूसरे नंबर पे ए है तो दूसरे नंबर पे आपको ए लेके आना है, फिर आर है, अब आर का कौन सा पोर्शन मिरर के पास में है, अगर मिरर यहाँ पे रखा है ये वाला पोर्शन, तो यही वाला पोर्शन आपका मिरर के पास में आना चाहिए, और ये कैसे आएगा आपका इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बनाऊं आर का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला और ये वाला मिरर के पास में है ना, तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से आपको बनाने हैं। नेक्स्ट आपका है कुछ सीरीज का, ये बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, 4, 16, 36, 64, तो इस तरीके से अगर आप सीरीज दे रखी है तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगी, आपका राइट आंसर आ गया। तो अभी ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, जब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत टाइम ये लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका कि सभी राजा मंत्री होते हैं और कुछ मंत्री किसान होते हैं, तो सभी के सभी आपके जो राजा हैं वो आपके मंत्री हैं और आपके कुछ मंत्री किसान है, तो सीधे सीधे से ये वेन डायग्राम बन जाएगा। और देखिए दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो ही आपको कवर कर दूं, और हाँ एक छोटी सी मैंने शर्त रखी है पीडीएफ के लिए, बच्चों को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपके लिए छोटी सी कंडीशन है कि इस वीडियो पे कम से कम आपके 5 से 6 हज़ार लाइक होंगे, तो उसके बाद ही मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा टेलीग्राम में, तो ध्यान रखिएगा 5 से 6 हज़ार लाइक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जितने बच्चे भी देखेंगे लाइक करते जाइएगा तो आपका कंडीशन पूरी हो जाएगी और शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा कि राजा, सभी के सभी राजा आपके मंत्री और कुछ मंत्री आपके किसान है, बन गया। पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, कुछ राजा किसान है, तो यहाँ पे किसान और राजा के बीच में तो कोरिलेशन बता ही नहीं गया, तो इसको हम कट कर देंगे। दूसरा बोला कोई राजा किसान नहीं है, अब फिर वही वाली कंडीशन बन गई है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब किसी के बीच में रिलेशन नहीं होता है और उसके बीच में एक बार तो रिलेशन यस का बता दिया जाता है कि कुछ राजा किसान है, और एक बार नहीं का कोई राजा किसान नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, या तो निष्कर्ष वन होगा या निष्कर्ष सेकंड, इस तरीके से आंसर देना होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1952 को कौन सा दिन था। अब जो ये वाला क्वेश्चन होता है इसकी बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, और इसके कोड जो है मंथ के कोड, बहुत से बच्चे पूछते हैं ना मंथ के कोड क्या है, तो उसका मैंने इसी पीडीएफ के एंड में ऐड कर दिया है सारे के सारे कोड, तो इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो सारे कोड भी आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, 23 दिसंबर 1952 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, डे, मंथ, ईयर और लीप ईयर। डे कितना है आपका 23 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे दिसंबर के लिए कोड क्या यूज होता है, 5, तो 5 आपने लिख दिया,
और यहाँ पे जो ईयर है वो कितने है? लास्ट वाले ईयर लेते हैं हम 52 हो गया, और यहाँ पे कितने लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो जितना भी आपका आता है वो आपका लीप ईयर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 लीप ईयर हो जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पे इनको हम करेंगे सभी को प्लस, तो कितना होगा 93, और 93 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर का मतलब है कि मंडे और उसके बाद क्या आता है ट्यूसडे, ठीक है। अगर 1 रिमाइंडर होता तो आपका मंडे राइट आंसर होता, 2 रिमाइंडर आया तो आपका ट्यूसडे होगा, ठीक है, और 3 आता तो उसके बाद क्या आएगा वेनसडे, ठीक है, तो वेनसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी आएंगे, तो देखते रहिए पूरी वीडियो को, बीच बीच में और डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे मिरर इमेज पूछी गई है मॉब की, तो मॉब में आपका देखिए बी सबसे पास में है मिरर के, तो सबसे पहले बी आएगा, और बी का भी कौन सा हिस्सा आएगा, बी का ये वाला हिस्सा देखिए मिरर के पास में ये वाला हिस्सा है, तो इधर भी यही वाला हिस्सा आना चाहिए, तो आपका बी ये हो गया, ओ वैसे रहेगा, एम बी वैसे रहेगा, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए 980, ठीक है, 100, और आपका नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखिए नेक्स्ट आपका आएगा जो 9 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 9 नौ 81, 81 में से माइनस 1 तो 80, 100 का करेंगे हम स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर आपका 10 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 में से एक माइनस करेंगे तो 9,999 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना आपका 10 होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 10 होगा, 100 नहीं होगा, तो ये शायद गलती से एक जीरो ऐड हो गई होगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है काउंटिंग फिगर से, तो इस तरीके का काउंटिंग फिगर भी आपके एग्जाम में आ चुकी है, सारी की सारी जो काउंटिंग फिगर आई है ना इंपॉर्टेंट वो सारी कवर हो जाएगी, देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, इसमें जब भी इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल दिया होता है उसको बीच में से कट करने के बाद में लाइनें दे दी जाती है इस तरीके से, चाहे वो 2 भी दे दी जाती है 3 भी दे दी जाती है, तो आपको क्या करना है जो कोने होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के 3, तो उनको तो हम लेंगे 2, 2, ठीक है, और जितनी भी लाइनें इस तरीके से कट होंगी उनको लेंगे हम 3, जैसे ये हो गया ये हो गया, बीच में जितनी भी होंगी उनको हम लेंगे 3, 3, उन्हें लेने के बाद में सभी को प्लस कर लेंगे, तो 3, 3 को अलग प्लस कर लीजिए कितना होगा 9, और 2, 2 को अलग प्लस कर लीजिए कितना होगा 6, और एक ये बड़े वाला जो ट्रायंगल होता है इसको अलग से ऐड करना होता है, ठीक है, तो ये अलग से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपको बताना है पति एवं पत्नी एक परिवार, तो इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो देखिए पति और पत्नी दोनों के दोनों ही परिवार का एक हिस्सा होते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और पति पत्नी होते भी अलग अलग हैं, यानी कि अगर जेंडर वाइज देखा जाए तो ये दोनों के दोनों इस तरीके से नहीं बन सकते हैं, ठीक है, कुछ डायग्राम आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि कुछ पति पत्नी होंगे और कुछ पत्नी पति हो जाएंगे, तो ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, तो यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लिखा है कि ओ एम के क्यू एच टी और नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे नीचे तो आपका चल रहा है -4, ठीक है, -3, -2, तो -2 करेंगे एच में से एफ आ जाएगा, फिर ऊपर चल रहा है +4, +3, +2, तो +2 करेंगे लास्ट में टी में तो कितना आ जाएगा वी, तो एफ टी आपका एफ वी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है कि कुछ तलवारें बंदूकें हैं, ठीक है, कुछ तलवारें बंदूकें होती हैं, कोई बंदूक तीर नहीं होता है, तो ये बन जाएगा आपका कुछ तलवारें बंदूकें होती हैं और कोई बंदूकें तीर नहीं होता है, तो जब इस तरीके का आपका वेन डायग्राम बनता है तो उसमें निष्कर्ष देख लेते हैं क्या क्या निकलते हैं, कि कुछ बंदूकें तलवारें होती हैं तो कुछ बंदूकें और तलवारों के बीच में तो रिलेशन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तलवारें और बंदूकें तो ये सही बताया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि कुछ तलवार तीर होते हैं, तो तलवार और तीर के बीच में कोरिलेशन नहीं बताया गया तो आपका ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा ओनली ऑप्शन 1 राइट। देखिए एक और देखिए काउंटिंग फिगर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। अब इसमें 2 ट्रिक लगेगी, दोनों की दोनों जान लीजिए, जब भी आपका इस तरीके से बॉक्स होगा और उसमें चाहे जितने भी कट होंगे, ठीक है, कोई भी बॉक्स बन सकता है और इस तरीके से उसमें कट होंगे, मतलब वो लाइन से डिवाइड कर रखा होगा, बहुत सारी लाइन भी हो जाए उसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से काउंट करना है उन सभी को और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, काम खत्म, ये तो हो गया इसका काम, ठीक है। फिर मैंने अभी बताया था आपको ट्रायंगल में जब लाइनें खींची होती है तो उसमें क्या करना होता है 1, 2, 3 करते हैं ना इस तरीके से, तो 1, 2 इनको प्लस करेंगे 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 आपका ये हो गया,
तो दोनों को मिला के कितना हो गया 19। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो ये वाला आपका ये है ट्रेंगल, ये वाला और फिर इधर ये वाला, ठीक है, ये काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रिक में ये कवर नहीं होता है, तो इनको हमें दो को अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो आपका 21 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा अब इस क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सीरीज से क्वेश्चन है कि 60 फिर आपका दे रखा है 30 को क्या लिखा जाएगा, तो 16 को 60 कैसे लिखा गया ये देखिए आप। सबसे पहले तो 16 की मल्टीप्लाई 4 में की गए, माइनस 4 किया गया तो 60 हो गया, फिर यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई 4 में की जाएगी तो माइनस आपका 4 किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 116, ठीक है, 116, यानी कि 4 × 12 120, और 120 में से माइनस 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 116, तो राइट आंसर 116 हो जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी सीरीज आती हैं, अभी ये आपको क्वेश्चन सोल्व हो रखे हैं तो ईजी लग रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे रियल हैं, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं बताया आज तक, तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे रियल हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, एक ये इस तरीके का क्वेश्चन था आपका, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको यही करना है कि मतलब 6 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करना है, और यहाँ पे 1 + 1 तो यहाँ पे 6 हो गया, प्लस 1 ये वाला एक और एक ये वाला, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम आपको बनाना है, शेर घोड़ा और जंगल, देखिए दोनों के दोनों शेर और घोड़ा दोनों के दोनों जंगल के अंदर आ जाएंगे, तो ये इस तरीके का वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं है, सीधा सीधा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपका विवेक विनोद का पुत्र है, तो विवेक जो है आपका विनोद का पुत्र है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बोला गया है विनेश विनोद का भाई है, तो विनेश जो है आपका विनोद का भाई हो गया। इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है विनोद से क्या रिलेशन है विवेक का, ठीक है, विवेक का विनोद से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा सा है, शायद यही क्वेश्चन था, अब एग्जैक्ट तो शायद यहाँ पे लिखा है विवेक विनोद से क्या रिलेशन रखता है, तो विवेक और विनोद के बीच में आपका क्या हो जाएगा बेटे का रिलेशन हो जाएगा, तो शायद यही क्वेश्चन होगा या फिर कुछ और क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिरर इमेज से, ठीक है, YHA, तो YH में क्या होगा, देखिए मिरर के पास में A है तो A रख देंगे, H है फिर उसके बाद मैच रख देंगे, और फिर Y आपका ये वाला Y है, ठीक है, Y का दो तरीके से हो सकता है, अगर Y ये है तो मिरर इमेज क्या बनेगी इसकी, ये देखिए इस तरीके से मिरर इमेज बनेगी इसकी, ठीक है, अगर ये वाला है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये वैसा का वैसा ही रहता है। काउंटिंग फिगर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इस तरीके से जब एक ट्रेंगल के अंदर में दूसरा ट्रेंगल बना होता है, ठीक है, तो उसे कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वही करना है, 1 2 3 4 ये सारे के सारे काउंट करेंगे जितने भी आपको स्पेस नजर आएंगे, और फिर एक आपको ऐड कर देना है, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कथन निष्कर्ष से, तो कथन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक साइंटिस्ट ने बताया कि जिस हिसाब से प्लास्टिक का दुरुपयोग हो रहा है यह 10 साल बाद एक चिंता का विषय बन जाएगा, तो ये क्वेश्चंस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, ये क्वेश्चंस बहुत ही कम चैनल कराते हैं, बहुत ही कम मिल पाते हैं, क्योंकि बच्चों से बात करने के बाद में ही ये क्वेश्चंस मिल पाते हैं, कोई भेजता नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, एक साइंटिस्ट ने बताया कि जिस हिसाब से प्लास्टिक का दुरुपयोग हो रहा है 10 साल बाद एक चिंता का विषय होगा, तो यहाँ पे दिया गया प्लास्टिक का प्रयोग हमें कम करना चाहिए, तो इसका इंडिकेशन तो यही है कि भाई जिस हिसाब से दुरुपयोग चल रहा है तो उस हिसाब से 10 साल बाद चिंता का विषय होगा, तो इसका मतलब अभी से कम कर देना चाहिए, तो राइट आंसर पहले वाला तो हो जाएगा। दूसरा है प्लास्टिक के प्रयोग से ही हमारा जीवन कम हो रहा है, तो यहाँ पे जीवन कम होने और ज़्यादा होने की बात नहीं की गई है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ताश की गड्डी, हुकुम का पान और चिड़ी का इक्का, इस तरीके से आपको एक वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम क्या होगा, ताश की गड्डी में दोनों ही ये दोनों ताश आ जाएंगे, हुकुम का पत्ता और चिड़ी का इक्का, ये दोनों के दोनों आपके ताश की गड्डी में ही होते हैं, तो इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको कवर करा दूँ, अगर स्पीड कोई ज़्यादा होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका कथन में दे रखा है, मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ, तो यहाँ पे पूर्व धारणा देखिए क्या क्या है, प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं, क्या लिखा है सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए
आप कभी भी परेशानी में होंगे आप किसको याद करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम को हल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी साइंस नहीं लगानी है, कथन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे बोला गया कि जब भी परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। तो आपका पहला राइट हो जाएगा, प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है। तो क्या पता मेरी मतलब कि जो यहाँ पे कथन में जिसका बारे में बताई जा रही है स्टेटमेंट, उसकी जो प्रार्थना से समस्या हल हो जाती हो, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। तो इसे नहीं बताया गया कि हमारी परम जो कर्तव्य है क्या है या क्या नहीं है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका पहला राइट होगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, अयोध्या का विवाद 350 वर्ष पृष्ठभूमि वाला है, तो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, सॉरी कंक्लूजन दे रखा है, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं। तो ऑब्वियसली समस्याएं, तभी इतना लंबा एक विवाद चल रहा है, तो पहले वाला राइट हो जाएगा। दूसरा है कि समस्या के हल में लंबा समय लगेगा। तो ये वाला अगर आप देखें, थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो यहाँ पे बोला गया है वही इनडायरेक्ट वे में बात बोल दी गई है, तो ये राइट नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, तो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि ये बहुत पुराना है और ये बहुत लंबा चल रहा है, तो इसका मतलब जो ये समस्या है पुरानी है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि समस्या के हल में लंबा समय लगेगा, तो इसका मतलब कोई नहीं निकलता, क्योंकि यही चीज़ ऊपर बोली जा रही है और यही नीचे बोली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सीरीज किसे क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है -1, 0, 3, 8, 15 और 24। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें प्लस वन करूँ तो जीरो पे आ जाऊँगा, ठीक है। माइनस में से प्लस वन करेंगे तो आपका जीरो बच जाएगा। जीरो में प्लस थ्री करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, थ्री। थ्री में प्लस फाइव तो आपका कितना, सेवन। सेवन में प्लस एट। एट में प्लस सेवन तो आपका 15, और 15 में प्लस नाइन तो 24। तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमारा क्या चल रहा है, प्लस टू नीचे, अगर हम देखें सभी में मतलब दो दो से बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी सीरीज आपकी आती है, तो उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 4, (19, 39, 79, 158) तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की जा रही है और प्लस 1 किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इससे भी बात ना करूँ, मतलब इससे यहाँ से स्टार्ट करके देखूँ, तो देखिए 19 की मल्टीप्लाई 2 में की जाएगी, तो 38, और 38 में प्लस 1 किया जाएगा तो आपका 39 हो जाएगा। फिर 39 में मल्टीप्लाई 2 की जाएगी, प्लस 1 किया जाएगा तो 79 हो जाएगा, और 79 में 2 की मल्टीप्लाई की जाएगी, प्लस 1 किया जाएगा तो 158 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा आपका क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सभी कॉपी जो किताब है, सभी की सभी कॉपी जो है वो किताब है, ठीक है। तो सभी की सभी कॉपी किताब हो जाएगी, कोई किताब पेंसिल नहीं है। तो पेंसिल और किताब के बीच में रिलेशन नहीं है, तो हमने पेंसिल वाला वेन डायग्राम मतलब बिल्कुल हटके बनाया। और फिर यहाँ पे बोला सभी पेंसिल रबर हैं, तो सभी के सभी पेंसिल जो आपकी रबर हैं, तो इस तरीके से दो वेन डायग्राम आपके बनके तैयार हो जाएंगे। निष्कर्ष यहाँ पे क्या क्या निकल रहा है, कोई रबर किताब नहीं है, तो रबर और किताब के बीच में रिलेशन आपको क्या बताया गया है, नहीं का बताया गया, सॉरी पेंसिल और किताब के बीच में रिलेशन क्या बताया गया, नहीं का, बट रबर के बीच में तो रिलेशन नहीं का नहीं बताया गया ना। तो ये क्या पता कुछ इस तरीके से बन जाए, कॉपी किताब और आपका पेंसिल और रबर, इस तरीके से भी तो बन सकता है। तो ये वाली कंडीशन होते हो सकती है, अगर जिनके बीच में रिलेशन नहीं बताया होता, तो नहीं का तो मैंने बताया था ना कि नहीं हो नहीं सकता। यहाँ पे बताया कि कुछ कॉपी रबर है, तो कॉपी और रबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं गया। नेक्स्ट है आपका, कुछ पे भोज्य है, जो आपका कुछ पे यानी कि आपने पे बनाया और कुछ पे भोज्य है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया कि सभी भोज्य मीठे हैं, तो आपका ये जो सभी के सभी भोज्य है ये आपका मीठा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेगा, कम से कम कुछ मीठा पे है, तो मीठा और पे में देखिए रिलेशन है, तो कुछ का तो हो जाएगा राइट आंसर पहले वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि सभी पे मीठे हैं, तो आपका सभी के सभी पे मीठे नहीं हो सकते, सभी के सभी पे आपका मीठे इस कंडीशन में हो सकते, तो ये वाली कंडीशन हमें नजर नहीं आ रही है। पे और मीठे का तो हल्का सा रिलेशन है, तो सम वाली कंडीशन राइट हो जाएगी, सब वाली नहीं, तो ये सेकेंड राइट नहीं होगा। यहाँ पे क्या बताना है आपको, अपराधी जज और चोर के बीच में वेन डायग्राम। तो अपराधी जज और चोर, देखिए सभी के सभी जितने भी चोर होंगे वो सारे के सारे अपराधी होंगे, ये चीज़ तो आप समझ गए ना। तो सारे के सारे चोर अपराधी होंगे, और जज एक अपना अलग होता है, ठीक है, इनसे तो अलग है ना, क्योंकि ये आपका कानून को लगा इम्प्लीमेंट मतलब बताने वाला होता है, ठीक है।
और ये आपका कानून मतलब ये होते हैं अपराधी, तो ये अपराध करने वाले होते हैं, तो यहाँ पे इनसे अलग है, तो ये दोनों को तो रिलेशन में रहेंगे और ये अलग रहेगा, तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन था? तो मैंने आपको क्या बताया था, डे, मंथ, ईयर और लीप ईयर। तो यहाँ पे डे कितने हो जाएंगे 15, अप्रैल, अप्रैल के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं 6, वो वीडियो के एंड में मैंने सब कुछ दे रखा है पूरी लिस्ट, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ईयर है वो कितने 88 है और यहाँ पे लीप ईयर कितने हो जाएंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये जितना भी होगा प्लस करके 131 और 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 रिमाइंडर का मतलब है कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 काउंट कर लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका देखिए सीरीज दे रखे 27, 64, नेक्स्ट आपका खाली स्थान दे रखा है और नेक्स्ट 216। तो आपको क्या करना है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का करेंगे 64 और 5 का करेंगे 125 और 6 का करेंगे 216, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़े सिंपल सा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है वेन डायग्राम से, मिठाई, टॉफी, तीखा। तो मिठाई, टॉफी और तीखा तीनों ही अलग चीज़ है भाई, ये तो नहीं बोल सकते हैं ना, मिठाई टॉफी भी हो सकती है, टॉफी एक अलग चीज़ हो गई, दोनों चीज़ मीठे तो हो सकती हैं बट आपका मतलब मिठाई टॉफी और टॉफी मिठाई नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे होता कि मिठाई टॉफी और मीठा तो ये हम कर सकते थे, मिठाई टॉफी और फिर उसके ऊपर को एक वेन डायग्राम हो जाता आपका मीठे का, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो सकती थी, बट यहाँ पे तीनों के तीनों अलग बन जाएंगे क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट आपका कि कथन दे रखा है, सभी पत्थर छोटे हैं, सभी छोटे बड़े हैं। तो यहाँ पे पत्थर आपने बनाया, सभी के सभी पत्थर आपके छोटे हैं और सभी के सभी छोटे आपके बड़े हैं, तो ये वाला वेन डायग्राम बनने के बाद में निष्कर्ष देखिए क्या आपका सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे दे रखा है सभी बड़े छोटे हैं, तो सभी के सभी बड़े छोटे तब हो सकते हैं जो छोटे वाला अंदर वाला डायग्राम ना इसके बाहर को होता, तो इस कंडीशन में होते तो ये वाला गलत हो जाएगा। सेकेंड दे रखा है सभी छोटे पत्थर हैं, तो आपका जो पत्थर वाला डायग्राम है सभी के सभी छोटे पत्थर हैं, ये आपका होता इस छोटे के ऊपर को, यानी कि इसके अंदर ना होके बाहर को होता, तो आपका तब कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी के जे एफ जी टी और नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे एक में प्लस 7 चल रहा है और एक में माइनस फाइव, तो प्लस 7 करेंगे तो आपका जे बन जाएगा और माइनस 5 करेंगे तो आपका एफ बन जाएगा। तो उसी तरीके से आपको करना है, जी में प्लस आपने करा 7 तो आपका एन बन गया और जी टी में से माइनस 5 किया तो ओ बन गया, तो एन ओ नो राइट आंसर हो जाएगा। एनालॉगी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, एक क्वेश्चन आपका 130, नेक्स्ट आपको लिखा है 68, नेक्स्ट लिखा 350, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो हम 130 को डिवाइड करेंगे 2 से प्लस आपका कितना हो जाएगा प्लस 3 कर देंगे तो 65 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 68। नेक्स्ट 350 को 2 से डिवाइड करेंगे 175 और 175 में 3 प्लस करेंगे तो 178, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 178 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आपका है सभी कमरे होटल हैं, सभी होटल भवन हैं, सभी भवन पर्वत हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है कि सभी के सभी आपके क्या है कमरे होटल हैं, तो इसके ऊपर को होटल का वेन डायग्राम आ गया, सभी के सभी होटल आपके भवन है तो भवन का आ गया, उसके बाद सभी के सभी भवन आपके पर्वत है तो ये पर्वत का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपके निष्कर्ष है कि कुछ पर्वत होटल है, तो यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई रहेगी। मैंने आपको बताया ना कि कुछ पर्वत हो चाहे कुछ होटल हो चाहे कुछ कमरे हो, कुछ वाली कंडीशन इस वाले केस में सब जगह सेटिस्फाई रहेगी, तो कुछ पर्वत होटल राइट हो जाएगा, कुछ भवन कमरे हैं ये भी राइट हो जाएगा और कुछ पर्वत कमरे हैं तो ये भी राइट हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कथन देखा, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए? मतलब एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसका आपको आंसर देना है कि क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष मतलब क्या क्या दे रखे हैं, नहीं, छात्रों को अल्पायु में ही परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है, हाँ, इससे छात्रों को सोचने और अपने रचनात्मक शौक पूरे करने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे
इस ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं मिल रहा है, ठीक है। इससे छात्रों को जो है आपका सोचने और अपने रचनात्मक शौक पूरे करने की सहायता मिलेगी, तो ये ऐसा कोई मतलब यहाँ पे पूरा मतलब आपका जो कथन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है कि सभी कार्यक्रम फिल्म है, सभी के सभी जो कार्यक्रम है आपके वे फिल्म है, सभी नाटक कार्यक्रम है और सभी फिल्म थिएटर है, तो ये वही वाला केस बन गया जो आपका ऊपर था, ठीक है। सभी नाटक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम आपके फिल्म और सभी फिल्म आपके थिएटर। तो यहाँ पे देख लेते क्या क्या दिया गया है निष्कर्ष में। सभी नाटक थिएटर हैं, तो सभी के सभी नाटक जो हैं आपके वो थिएटर बन जाएंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि थिएटर वाला जो वेन डायग्राम है वो सबके बाहर है। फिर नेक्स्ट बोला है कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं है, तो नहीं वाली तो कंडीशन हो ही नहीं सकती ना। जब मैंने बोला अगर स्टेटमेंट आपका जो कथन है वो पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हॉकी इंडिया, ठीक है, बेसबॉल। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है, जो आपका खेल वो है क्या है, इंडिया का हॉकी है, तो बेसबॉल किसका है, अमेरिका का, तो आपका अमेरिका का राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के साइड में आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 101, 104, 112, सॉरी 100 नहीं है, 1000, 1004, 1012, 1027, और नेक्स्ट आपको बताना था कि क्या आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब लॉजिकली ये चल रहा है, अगर देखा जाए बड़ी स्पीड से इंक्रीज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब सीरीज जो आपकी इंक्रीज नहीं होती है बहुत स्पीड, ज़्यादा स्पीड से, तो आपको क्या क्या सोचना होता है, सोचना कुछ नहीं होता उसमें, ज़्यादातर कंडीशन होती है प्लस की। अब देखिए प्लस कितना मतलब अजीब वे में किया गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, कि यहाँ पे प्लस आपका 3 किया गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्लस 8 किया गया है, तो इनके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, 5 का, ठीक है, यानी कि 5 का प्लस चल रहा है। फिर नेक्स्ट आपने 15 किया, तो यहाँ पे आप 5 नहीं प्लस किया गया, यहाँ पे 7 प्लस किया गया। अगर इसमें भी देखें तो प्लस 2 चल रहा है, ठीक है, प्लस 2, प्लस 2, तो यहाँ पे बड़ी लंबी सी सीरीज बना के इस तरीके से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 से आपका 6 आना चाहिए था अगर नॉर्मल वे में होता, बट 8 आया, फिर आपका 15 आया, फिर 24 आया, तो इसके पीछे का भी आपको राज जानना होगा। तो नेक्स्ट आपका राइट आंसर जो होगा 1051 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फाइंड मिरर इमेज ऑफ 6:10 o'clock, यानी कि 6:10 पे क्या आपका मिरर, उसकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वोटर इमेज होगी, ठीक है, आई थिंक वोटर इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या शॉर्ट ट्रिक है भाई, देखिए 11:60 में से आपको घटाना है 6:10 को, तो कितना आएगा 5:50, तो आपका ये 5:50 राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बना के समझाई थी, तो अगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपका राइट आंसर ये आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कथन, कुछ झटके क्रोच हैं, कोई दर्द क्रोच नहीं है, कुछ निशान झटके हैं, तो कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो आपके झटके हैं क्रोच है, झटका आपने बनाया क्रोच, इस तरीके से आपने हल्का सा कट करके बना दिया, कोई भी दर्द क्रोच नहीं है, तो दर्द और क्रोच के बीच में कोरिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है। फिर यहाँ पे है कि कुछ निशान झटके हैं, तो यहाँ पे कुछ निशान जो है आपका देखिए इस तरीके से, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आप बनाएंगे तो कुछ निशान झटके बन जाएंगे। यहाँ पे निष्कर्ष क्या है कि सभी क्रोच कभी भी झटके नहीं हो सकते, तो यार देखिए ये वाली कंडीशन होती है ना, जब कहीं कहीं पे वर्ड बोला जाता है कि कभी नहीं हो सकते, ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रोच कभी भी झटका नहीं हो सकता, क्रोच और आपका झटके के बीच में रिलेशन है, तो ये नहीं वाला तो रिलेशन होगा ही नहीं। मैंने आपको बताया ना कि अगर बीच में रिलेशन है तो उनके बीच में नहीं वाले तो बात ही नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट बोला कि सभी दर्द के निशान होने की एक संभावना है, तो सभी के सभी दर्द निशान होने की संभावना है, तो संभावना में सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी दर्द दर्द के निशान होने की संभावना है, क्योंकि जो ये दर्द बताया गया क्रोच के साथ में रिलेशन नहीं है, बट निशान क्या पता है इसके बीच में रिलेशन हो जाए, ठीक है, तो संभावना वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड, तो इनके बीच में वेन डायग्राम आपको बताना है, तो दोनों के दोनों ही लिक्विड होते हैं, सोडा वाटर भी और आपका मिनरल वाटर भी, और ये दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे लिक्विड के, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे MET मीट का आपको क्या बताना है, मिरर इमेज, तो MET देखिए पास में कौन है, टी है मिरर के, तो टी लिखेंगे, फिर उसके बाद ई है, ई का भी कौन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ई लिखेंगे इस तरीके से, जो मिरर की तरफ को था पहले भी और अभी भी मिरर की तरफ को ही होगा, एम को वैसे लिखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मनुष्य, महासागर और कार। तो मनुष्य, महासागर और कार तीनों के तीनों के बीच में कोरिलेशन है, वेन डायग्राम आपको बताना है। तो मनुष्य एक अलग चीज है, महासागर अलग चीज है और कार अलग चीज है, तो पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीरीज है, इनमें से बताना है ओड वन आउट। तो 87, 39 और 79, 81 का ओड वन आउट निकालना है। अगर यहाँ पे देखें तो सभी के सभी आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट 79 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए डी जी और जे, और नेक्स्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे सभी में +3 +3 +3 +3 चल रहा है, तो नेक्स्ट आपका एम आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर एम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखे तो यहाँ पे सीरीज है कुछ इस तरीके से कि 3, 15, 35, 63। नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे +12, ठीक है, +20 और +28 और +36। तो इसके पीछे का भी आपको राज जाना है कि +8 चल रहा है, यानी कि आपने +12 किया, नेक्स्ट +20 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया आपका 8 का। तो यहाँ पे 8 प्लस करें, तो 20 में सबसे पहले 8 प्लस करिए, 28 आएगा, तो 28 प्लस करिए फिर नेक्स्ट, ठीक है, 35 में तो 63 आ जाएगा, फिर 28 में प्लस करेंगे 8 को तो 36 आएगा, तो 63 में 36 को प्लस करिए तो 99 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी को क्वेश्चंस को कर लेना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 फरवरी 2018 को मंडे है, तो 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2018 आपका एक जनरल ईयर है, और जनरल ईयर में हम क्या कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जनरल ईयर में 2018 को अगर आपका मंडे था तो एक दिन बढ़ा देना है बस 2019 में, तो ट्यूसडे हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट क्या आएगा, ट्यूसडे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस जनरल ईयर होगा तो एक बढ़ा के लिख देना है, मंडे से नेक्स्ट आपका ट्यूसडे कर देना, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका कि सभी कंप्यूटर टीवी है, कोई मोबाइल टीवी नहीं है। तो सभी के सभी कंप्यूटर आपके जो होंगे वो टीवी हो जाएंगे, और कोई भी टीवी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। तो इस तरीके से आपने रिलेशन बना दिया इनका, पूरा वेन डायग्राम बन के तैयार। यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या है कि कोई कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो कंप्यूटर मोबाइल के बीच में रिलेशन आपके बताया गया है। तो आपका जब बाहर वाले के रिलेशन नहीं है तो अंदर वाले के कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। मान लीजिए आपकी पापा की लड़ाई, आपके जो पापा है हेड है घर के, उनकी लड़ाई किसी के साथ में हो गई, ठीक है, तो क्या आप उसके साथ में जाके बोलोगे। ठीक है, कंडीशन वैसे ये दूसरी है और ये दूसरी है, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब बाहर वाले की लड़ाई हो गई है, मतलब मेन घर के हेड की लड़ाई हो गई किसी के साथ में, उसका कोई रिलेशन नहीं रहा, तो अंदर वाले जितने भी हैं उनके रिलेशन थोड़े रहेंगे। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोई कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, पहले वाला, हाँ दूसरे वाला ये था ना कि कुछ टीवी कंप्यूटर है, तो कुछ टीवी जब सारे के सारे कंप्यूटर टीवी है तो कुछ तो हो ही जाएंगे, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक वेन डायग्राम बनाना है, बच्चे गंभीर और शरारती। देखिए बच्चे दोनों के दोनों दो तरीके के हो सकते हैं, यानी कि अभी इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चे दोनों तरीके के हो सकते हैं, कुछ बच्चे गंभीर भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे शरारती भी हो सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सीरीज का 5, 7, 17, 55, 225 और नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, +1 +2 तो 7, +2 +3 तो 17, +3 तो +4 55, यानी कि एक एक की आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और प्लस फिर एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 225 और नेक्स्ट हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और +6 करेंगे तो 1131 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6, 42, 5 और नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7×6=42 और 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 7×5=35 तो आपका 35 राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन सभी मोबाइल चिप हैं। तो सभी मोबाइल चिप हैं, सभी चिप इलेक्ट्रॉनिक है, तो सभी के सभी आपके मोबाइल जो होंगे ये आपका इस तरीके से चिप हो जाएंगे और सभी के सभी चिप आपकी इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके एग्जाम में सभी वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि सभी कंडीशन जिसमें होती है ना, सभी मोबाइल चिप हैं, सभी के सभी चिप इलेक्ट्रिक हैं, तो इस तरीके के, तो थोड़ा सा देख के जाइएगा, इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सभी इलेक्ट्रिक चिप हैं, तो सभी के सभी इलेक्ट्रिक तो चिप तब होंगे जब इलेक्ट्रिक के ऊपर को आपका चिप का वेन डायग्राम बन जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला है कि कुछ मोबाइल इलेक्ट्रिक है, तो मोबाइल आपका जो है कुछ मोबाइल इलेक्ट्रिक कब हो सकते हैं, इस तरीके से कट होता, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जो है वो इसके अंदर है चिप के, और चिप किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक के, तो चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे इसके अंदर वाली कंडीशन हो, तो कुछ वाली कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई रहती है अगर उनके बीच में कुछ भी थोड़ा सा भी रिलेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं,
तो यहाँ पे मंत्री आपने बनाया, कुछ मंत्री अध्यापक बना दिए और सभी के सभी अध्यापक विद्वान भी बना दिए। तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम बनाया, क्या क्या निष्कर्ष है, कुछ मंत्री विद्वान है, तो मंत्री और आपका विद्वान का रिलेशन है तो इसका मतलब कुछ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा बोला गया कि सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी के सभी विद्वान जो हैं आपके ये वाले वो अध्यापक तब होते जब ये अध्यापक अंदर ना बैठ के इसके बाहर को होता, ठीक है, अध्यापक अंदर है ना विद्वान के, तो जब इसके बाहर को होता तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपका 720, 840, 60 और नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो देखा जाए तो 120 मल्टीप्लाई 6 तो कितना हो गया आपका 720, 120 मल्टीप्लाई 7 तो आपका कितना हो गया 840। यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई अगर की जाती है, मतलब सॉरी हाँ 10 की मल्टीप्लाई अगर की जाती है 6 में तो 60, तो 10 की मल्टीप्लाई 7 में की जाएगी तो 770, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें ये देखना है कि ये कैसे बना है, जैसे ये बना तो नेक्स्ट वैसे ही बन जाएगा, ये कैसे बना 10 की मल्टीप्लाई 6 करके तो नेक्स्ट आपका कैसे बनेगा 10 की मल्टीप्लाई 7 करके, क्योंकि यहाँ पे 6 हुई थी यहाँ पे 7 होगी, तो राइट आंसर आपका 70 बन जाएगा। ठीक है भाई, एक मिरर इमेज आपकी स्पेस की, मिरर इमेज में कोई बताने वाली चीज़ रही नहीं है, बार बार वही चीज़ें, जब जो भी चीज़ें मिरर के पास में है तो मिरर के पास में रखनी है, ई मिरर के पास में, उसके बाद सी है तो सी इस तरीके से बनाते जाइए। ठीक है, ए है आपका तो ए बना दीजिए, फिर आपका पी है तो यहाँ पर आपको पी कुछ इस तरीके से बनाना है, और आपका एस है तो यहाँ पर आपको एस इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे देखिए जब भी बहुत सारे बॉक्सेस इस तरीके से जुड़े होते हैं तो मैंने इनको काउंट करने का बताया था ना, एक बॉक्स का कैसे निकालते हैं, तो एक से बॉक्स का अगर आपको पता है तो सभी बॉक्स का निकाल सकते हैं। किस तरीके से 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो 1, 2, 3, 4 4 की मल्टीप्लाई 2 8, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, बट यहाँ पे ही काम खत्म नहीं होता है, फिर नेक्स्ट भी आपको कुछ ऐड करना होता है, क्या ऐड करना होता है वो मैं समझाता हूँ। 8 की मल्टीप्लाई 3 में करिए क्योंकि 3 बॉक्स है तो 24 तो आपके ही हो गए। अगर ये एक अकेला है तो इसका 8 ही राइट आंसर होगा, बट जब साइड में जुड़ जाते हैं ये वाले, जैसे ये वाला जुड़ गया तो इसमें ये वाला और ये वाला काउंट नहीं होता है, तो इसमें इसलिए हमने क्या किया, 2 तो ये वाले हो गए, ठीक है, और फिर 2 ये वाले हो गए, तो कितने 4 अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो 28 राइट आंसर रहेगा। या फिर आप इसको भी मत सोचिए, बस आपको ये सोचना है कि जितने बॉक्स जुड़ते जाएंगे आपको ये इस तरीके से पॉइंट बढ़ाते जाना है, अगर यहाँ पे जुड़ेगा एक और तो इस तरीके से, तो यहाँ पे अभी दो ये 3 बॉक्स जुड़े, 3 बॉक्स में 4 पॉइंट बने तो 4 आप ऐड कर देंगे, नेक्स्ट जुड़ेगा तो आपका 6 ऐड हो जाएंगे, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैपिटल को अगर आपका लिखा जा रहा है CPAITILA तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, पर्सन को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इनको नंबर दे दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको जहाँ पे जो जिस तरीके से इन्होंने लिखा है क्योंकि वैसे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पे आपका सी रखा गया, ठीक है, सी यहाँ पे भी, दूसरे पे आपका 3 नंबर का रखा गया तो पी रख दिया गया, फिर आपका दूसरे नंबर का रखा गया, फिर 5वें, फिर 4थे, फिर 7वें, फिर 6ठे, यानी कि आपको एक कोड मिल गया 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, तो उसी तरीके से पर्सन पे आपने नंबर डाले और जो जिस नंबर पे लिखा गया उसी नंबर पे लिख देंगे। पहले पे आपका पहला लिखा गया है तो आपने पी पहला लिख दिया, दूसरे पे आपका यहाँ पे 3 नंबर का लिखा गया तो 3 नंबर का क्या है आर, तो आपने लिख दिया। इसी तरीके से कैरी ऑन आप इसको पूरा करिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है बाघ, हाथी और जानवर, तो देखिए दोनों को दोनों ही जानवर होते हैं, बाघ भी और हाथी भी, तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे अभी मैं ऊपर करा के हूँ एक क्वेश्चन इसी तरीके का, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे इसमें ही एक नीचे ऐड कर दिया गया, तो बट अच्छा क्वेश्चन बन गया है, अब इसमें थोड़ा सा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 8 तो इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, तो 8 की 4 में करेंगे तो 32 तो ये हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 तो ये और प्लस देखिए ये 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि एक इधर जुड़ा है ना, तो ये एक बार इसके साथ में भी काउंट होगा, इसके साथ में भी, तो 6 ही हो गए। अब ये 3 कहाँ से बन रहे हैं, अब इनको थोड़ा सा समझिएगा, ये बन रहा है एक तो ये बन गया, ठीक है, फिर एक आपका बिल्कुल डिट्टो ये बन जाएगा ये वाला, ठीक है, और आपका एक बन जाएगा, एक पूरा बड़े वाला ये बन जाएगा। ठीक है, तो 3 ये 1, 2, 3 जो ऐड किए हैं ये वाले किए गए हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, तो 41 ट्रायंगल्स होंगे इसमें, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पानी, पीपल, घंटी, तो पानी, पीपल, घंटी का कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा, पानी, पीपल, घंटी सब अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे टीथ का आपको बताना है मिरर इमेज, तो बना लेंगे, कोई बार बार चीज़ बताने की नहीं है। ठीक है, जो पास में रखना है, जो दूर है दूर रखना है, जिसकी डायरेक्शन जो है मिरर की डायरेक्शन में तो वही आपको मिरर की डायरेक्शन बनानी है।
सीरीज वाला क्वेश्चन है आपके 15, 31, 67, नेक्स्ट का क्या आएगा 231। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 31 में, फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 67 में, तो 131 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 131 में, तो आपका 231 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका चलता हुआ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 5, 10, 20, 40, 80 और नेक्स्ट क्या आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई चल रही है, 2 की करेंगे 2 की 20, 2 की करेंगे 40, 2 की करेंगे 80, 2 की करेंगे 160, तो 160 आपका राइट आंसर बन जाएगा। मिरर इमेज इस तरीके की भी पूछी जा रही है, तो कोई हार्ड नहीं है, बस आप में देखिए इसमें आता प्लस 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 माइनस और ये आपका जो स्लैश वाला साइन होता है इसमें, तो यहाँ पे इसी में ही सारा चेंज था कि अगर मिरर इस तरीके से रखा है, ठीक है, और इसका जो झुकाव है मिरर की साइड में, तो इधर भी आपको जो झुकाव मिरर की साइड में रखना है, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं बनाना है या फिर कोई और डायरेक्शन नहीं बनानी है, ठीक है। वोटर इमेज में भी आपका देखें, यहाँ पे बोला गया 9748 ए जेड, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल भी आपका पूछा गया था 1, 2, 3, 4 का, यानी कि यहाँ पे मिरर इमेज पूछी गई थी 1, 2, 3, 4 की, आपका सॉरी वोटर इमेज क्या बनेगी, तो वोटर इमेज में क्या हो जाएगा, जो चीजें पास में हैं, देखिए वोटर इमेज की बात कीजिए चाहे मिरर इमेज की, आपको बस ये सोचना है कि अब की बार मिरर नीचे रख दिया गया है, ठीक है, जो पास में है चीजें पास में रखनी है, जो दूर है उनको दूर ले जाना है। अगर मैं 9 लिखा है और यहाँ पे मिरर लिखा है, तो मेरा ये वाला पोर्शन पास में है और इसको इसी तरीके से बनाना है। तो अगर आप ये सोचते हैं, देखिए 7 लिखा है, ठीक है, मिरर यहाँ पे रखा है, तो मुझे क्या बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। 4 लिखा है, ठीक है, तो और इसका मुझे मिरर बनाना है, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से तो बनाऊंगा मैं 4 को, ठीक है। 8 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर A लिखा है, मैं आपको सारे एक एक ही बता देता हूँ, A लिखा है, नीचे मिरर लगा है, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा ना, मिरर के पास में कौन सा हिस्सा है, खुला हुआ है ना A का, तो नीचे खुला हुआ है रखेंगे। जेड है, ठीक है, मिरर बनाना है, तो हम कुछ इस तरीके से जेड को बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम बनाना है, भाषा स्पेनिश और यूरोपियन, तो यहाँ पे स्पेनिश और यूरोपियन दोनों की दोनों भाषा है, तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें बनाने में। नेक्स्ट आपका कथन, एक बच्चे को लड्डू पसंद है, निष्कर्ष दे रखा है बच्चे को मिठाई पसंद नहीं है, तो ऐसा तो नहीं बोला गया, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव तो कभी कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कोई मिठाई नहीं है, तो इसलिए बच्चे को लड्डू पसंद है, तो यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया कि मिठाई है या नहीं है, तो दोनों के दोनों ही आपके कंक्लूजन निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है पेट्रोल कार और नेक्स्ट बल्ब, और यहाँ पे बताना था क्या आएगा, तो यहाँ पे पेट्रोल, देखिए कार जो चलती है वो पेट्रोल से चलती है, तो बल्ब आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओड वन आउट पूछा गया था, इनमें से ओड वन आउट कौन सा होगा, तो देखिए इस तरीके से आपका बन रहा है, तो इसमें अगर आप खुद चेक करें, इसमें आपके 5 कोने, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो यहाँ पे आपका अगर होना था तो इसमें 6 कोने होने थे, कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें गलत हो जाएगा, गोला बन गया, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सीरीज ये थी कि इस आकृति से नीचे दी गई कितनी आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि ऑप्शन आपको दे रखे थे, एक डी ऑप्शन भी होगा यहाँ पे, बट उसकी पता नहीं थी आकृति क्या थी, तो इस आकृति में से कौन कौन सी बन सकती है, एक तो ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला भी बन जाएगा ये, और नेक्स्ट अगर कोई डी वाली होगी तो क्या पता वो बन सकती थी नहीं बन सकती थी, क्वेश्चन इतना ही पता चला था, तो इतना ही आपका ये देख लीजिए, दो बी और सी तो बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है शहर के स्थानीय बाजार का बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया और माल व संपत्ति की भारी नुकसान हुआ, यहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग लगाने और उनका रख रखाव करने के बारे में सरकार को सभी स्थानों को कड़े दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। देखिए ये आपका सेकेंडरी वर्क हो गया, उस टाइम पे क्या होना चाहिए, उस टाइम पे जो इनिशियल वर्क होते हैं जैसे उनको सहायता पहुंचाना, ये चीजें काम होना चाहिए, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कथन में क्या बताया गया है कि शहर के एक स्थानीय बाजार का बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया और माल व संपत्ति की भारी नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे इसका कोई कंक्लूजन से कोई मतलब, सॉरी कथन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट रखा सरकार को सभी बाजारों के शहर के बाहर से बाहरी इलाकों में ले जाकर बसाना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रू का एक ये बताना था, मिरर इमेज बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य प्रकाश ऊर्जा, तो देखिए जो आपको प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बताना है आपको 25476, नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2
में, यानी कि यहाँ पे इसमें सेकंड से रिलेशन नहीं है, थर्ड से रिलेशन है। तो टू में प्लस टू करेंगे फोर, फिर टू में प्लस टू प्लस करेंगे सॉरी फोर में प्लस टू करेंगे तो सिक्स, इसी तरीके से यहाँ पे फाइव में प्लस टू करेंगे तो सेवन, सेवन में प्लस टू करेंगे तो नाइन, तो नाइन आपका राइट आंसर बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कि 25 मार्च 2018 को मंडे है, तो 25 मार्च 2019 को क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से का रिपीट हो चुका है, 2018 आपका लीप ईयर है तो नेक्स्ट आपका ट्यूसडे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए विक्ट्री को आपको येलो लिखा गया है, तो यहाँ पे फेलियर को क्या लिखा जाएगा, तो विक्ट्री को आपको येलो किस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे प्लस थ्री चल रहा है सभी में, वी में, आई में, सी में, टी ओ में, टी ओ आर वाई में, सभी में प्लस थ्री करेंगे तो ये अब आपका निकल के आएगा, तो फेलियर में भी आप प्लस थ्री करिएगा, ठीक है। एफ में प्लस थ्री तो आई, ए में प्लस थ्री तो डी, ठीक है, आई में प्लस थ्री तो एल, एल में प्लस थ्री तो ओ, यू में प्लस थ्री तो एक्स, आर में प्लस थ्री तो यू, ई में प्लस थ्री तो एच, तो इस तरीके से आपका पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ड्रिंक से आपका माइनस वन चल रहा है, ड्रिंक को अगर ये लिखा जाए तो हनी को क्या लिखा जाएगा, तो ड्रिंक में सभी में माइनस वन चल रहा है, तो डी में से माइनस वन तो जे, सॉरी देखिए दोस्तों वो क्वेश्चन उस टाइम पे शायद किसी ने गलत बताया था जो भी था, बट वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कथन दे रखा है सभी पटाखे खंड हैं, कुछ खंड उपहार हैं, कोई भी उपहार संदूक नहीं है, तो यहाँ पे जो सभी पटाखे हैं वो खंड है, तो सभी के सभी पटाखे आपके खंड हो जाएंगे, कुछ खंड आपके उपहार हो जाएंगे, कुछ खंड उपहार है और कोई भी उपहार संदूक नहीं है, तो इस तरीके से आपका पूरे का पूरा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या है, कोई भी पटाखा उपहार नहीं है, तो पटाखा और उपहार के बीच में रिलेशन बताया तो नहीं गया है, बट फिर भी नहीं का हम नहीं बता सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं है, तो खंड और संदूक के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, तो सॉरी कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं है, तो हाँ ये आपका राइट हो जाएगा, इसका रीजन सुनिए राइट क्यों हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उपहार और संदूक के बीच में रिलेशन नहीं है, तो कुछ उपहार आपका खंड है, तो खंड वाला जो ये पोर्शन है ना, ये वाला ये कभी भी संदूक नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही है, ये वाला पोर्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किताब बर्तन मकान, इनके बीच में बताइए वेन डायग्राम, तो यहाँ पे आपको किताब बर्तन और मकान के बीच में वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे था आपका 2, 7, 14, 23, 34, नेक्स्ट आपको बताना था यहाँ पे 34 की जगह क्या आएगा, तो प्लस 5, प्लस 7, प्लस 9, प्लस 11, प्लस 13, इस तरीके से चल रहा था, यानी कि इनके बीच प्लस 2 करते जाना था, तो 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्लस 11 करेंगे तो 34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जिन देशों की परिस्थिति ठीक है वहाँ टैक्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है आपको कि जिन देशों की परिस्थिति ठीक है वहाँ टैक्स नहीं होना चाहिए, तो निष्कर्ष क्या क्या है, टैक्स उन देशों में ही लगाया जाता है जिन देशों की परिस्थिति ठीक नहीं होती, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी देश में लगाया जाता है, चाहे परिस्थिति ठीक हो चाहे परिस्थिति ठीक ना हो। यहाँ पे नेक्स्ट है हाँ टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है उसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। तो स्टार को अगर आपको आर एस जेड क्यू लिखा जाता है, तो ट्रू को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है बस माइनस वन, ठीक है, माइनस वन चल रहा है एस में से माइनस वन तो आर, ठीक है, और टी में से माइनस वन तो आपका एस, इसी तरीके से आप सारे करेंगे तो ट्रू में भी आपका यही चलेगा, टी में से माइनस वन तो एस, आर में से माइनस वन क्यू, क्यू में से यू में से माइनस वन टी, ई में से माइनस वन डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखिए इस तरीके से सीरीज का 128, नेक्स्ट आपको बताना था क्या आएगा, फिर 82, 62, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देख रहे हैं आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कुछ ना कुछ माइनस चल रहा होगा, तो यहाँ पे -24 करें, -22 करें तो 82, -20 करें तो आपका 62, -18 करें तो 44, -16 करें तो 28, तो क्या चल रहा है देखिए ये डिक्रीजिंग जो माइनस चल रहा है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, तो समझ गए होंगे, तो यहाँ पे 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है, तो इसकी बॉक्स की भी मिरर इमेज वैसे ही बनेगी जैसे मैं ऊपर बताता आ रहा हूँ, जो चीज़ मिरर के पास में रखेंगे, और डुल्लू आपका जो है दूर है तो इसको यहाँ पे दूर ही रखेंगे, तो राइट आंसर ये इस तरीके से हो जाएगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पे क्या करना है, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, और डिवाइड करना है 7 से, तो डे आपका कितना है 24, मंथ आपका मार्च, मार्च के लिए 3 का कोड यूज होता है, 2006 के आपका लास्ट के 100 वो ले लेंगे हम ईयर, तो कितना हो जाएगा 106, कितने लीप ईयर हो जाएंगे डिवाइड करेंगे 4 से तो 26 आ जाएगा लीप ईयर, 7 से डिवाइड कर देंगे इन सभी को प्लस करके तो कितना होगा 159 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा, तो क्या होगा 5 रिमाइंडर, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और पांचवें दिन क्या होगा फ्राइडे, तो फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका देखें ये है आपका एनालॉगी से क्वेश्चन। तो 647 को 70 लिखा जा रहा है, तो 798 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 6 + 4 + 7 को आपका लिखा जा रहा है 17, तो 7 + 9 + 8 को क्या लिखा जाएगा? 24, तो 24 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताना है 544, 549, ठीक है, 474, 439। नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा, तो यहाँ पे -35 -35 -35 -35 चल रहा है, तो इसमें से -35 करेंगे तो 404 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2020 आपका क्या है, लीप ईयर, और लीप ईयर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है, तो आपको क्या करना है, सॉरी जो कैलेंडर रिपीट होगा, कैलेंडर वो 28 साल बाद रिपीट होगा, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 2020 में आपको 28 प्लस कर देना, तो 2048 में जाके ये रिपीट होगा। ठीक है, ओड वन आउट यहाँ पे निकालना था, T20N14H8 और I9। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका T20 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, बट I9 पे नहीं आता है, आई नंबर पे यानी कि 9वें नंबर पे नहीं आता है, तो ये आपका ओड वन आउट हो जाएगा, बिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9, 27, 31, 115, 151, 161, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक बार मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8, तो इसी तरीके से चल रहा है, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 1135 राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका मिरर इमेज यहाँ पे टेबल की बतानी है, तो टेबल की मिरर इमेज ये बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 10, 25, 55, 115, नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा, 475। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 + 5, तो 10 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे, प्लस 5 करेंगे तो 25, मल्टीप्लाई 2 + 5 तो 55, मल्टीप्लाई 2 + 5 तो 115, मल्टीप्लाई 2 + 5 तो आपका 225 नहीं, यही आ जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा 225 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका AZBY, ठीक है, ये आपको लिखा है DWEV, तो इसी तरीके से HSIR आपको क्या लिखना है, मतलब कि किस तरीके से कोड करना है, तो इसमें चल रहा है +3 - 3, +3 - 3, तो एक बार +3 करेंगे, फिर एक बार -3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, इसी तरीके से +3 करेंगे, -3 करेंगे, +3 करेंगे, -3 करेंगे, तो आप इसको बना लेंगे, देख लीजिएगा, KPLO राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बताया गया छात्रों, गायकों, नृत्यकों में वेन डायग्राम बताना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ छात्र गायक भी हो सकते हैं, कुछ छात्र नृत्यक भी हो सकते हैं, और कुछ दो छात्र यहाँ पे गायक और नृत्यक दोनों हो सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 26 जनवरी 2018 को सैटरडे है, तो 26 जनवरी 2019 को क्या होगा, तो देखिए वही है यहाँ पे जनरल ईयर है, एक आपको यहाँ पे मतलब एक प्लस कर देना है, तो ये अगर यहाँ पे सैटरडे है तो नेक्स्ट आपका संडे राइट आंसर बन जाएगा। काउंटिंग फिगर का ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई 2 की करनी है और 8 कर देना है। ठीक है, जितने भी बॉक्सेस होंगे, अगर यहाँ पे लाइन इस तरीके से होती तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 की मल्टीप्लाई, सॉरी 8 होंगे ना, 8 ये भी तो होगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी आपकी, तो 16 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे देखिए नेक्स्ट ये आ ही गया है, बिल्कुल 16 वाला भी मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, RAJU का आपको बताना है मिरर इमेज, तो इसका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम यहाँ बताना है सब्जी, गाजर, आलू में, तो देखिए गाजर और आलू दोनों की दोनों सब्जी है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम कवर कर लेगा। लाइट की आपका मिरर इमेज बताई देंगे, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि यार एक बात बताइए, अगर आपको लाइट का पूछ लिया, कल आपको पूछ लिया जाए कार का ये मतलब मिरर इमेज, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर आपको लाइट का पता है, कार का पता है, किसी भी वर्ड का पता है, एलिफेंट का पता है, तो सब आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देखिए ये क्वेश्चन आपका तीसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कि 13 अप्रैल, बस अलग अलग डेट चेंज हो गया, 2018 को मंडे था, तो 13 अप्रैल 2019 को क्या होगा, तो आप इसको कर लेंगे, बस एक दिन बढ़ाना है। ठीक है, अगर मंडे है तो नेक्स्ट आपको ट्यूजडे कर देना है, ट्यूजडे है तो आपका नेक्स्ट वेनसडे कर देना है, तो इसी तरीके से आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट आपका है ओड वन आउट से, तो ओड वन आउट इसमें क्या बताना है भाई, देखिए अगर इसकी मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका चल रहा है LCD और यहाँ पे बताना है इनमें से Y, इनमें से क्या है, तो यहाँ पे सभी के सभी आपकी एक मिरर इमेज है, और ये Y आपका सिंपल लिखा हुआ है, तो ये आपका ओड वन आउट हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा Y। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका 10 सितंबर 2018 को मंडे है, तो 144 दिन बाद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 144 को 7 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रिमाइंडर बचेगा आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर के बाद क्या होगा, 1, 2, 3, 4 रिमाइंडर, तो चौथे दिन देखिए क्या आता है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, सॉरी
मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, सॉरी ये आपका थर्सडे आएगा। तो ये देखिए भाई यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा शायद, ये गलती से हो गया, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे मैंने गलती से कर दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ ए बी है, तो कुछ ए आपके बी हो जाएंगे और कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी नहीं है, सॉरी बी कुछ बी सी नहीं है। अब ये वाली कंडीशन एकदम आपने नहीं देखी होगी कि कुछ बी, या तो हमने सुना है कि सारे कोई बी सी नहीं है, अब ये कुछ बी सी नहीं है तो इसमें कैसे करना है हमें, ये आपने हल्का सा इसमें पॉइंट देखा, ये मैंने कर दिया कि ये वाला पोर्शन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, कुछ ए बी नहीं है, तो ए और बी का तो बीच में रिलेशन है तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ सी बी है, तो कुछ सी और बी है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में नहीं का रिलेशन है। अब ये नहीं पता हमें कौन सा पोर्शन है या कौन सा नहीं है, तो कुछ बी सी है ये वाला पोर्शन भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से था, दिल्ली को अगर ये लिखा जाता तो पटना को क्या लिखा जाएगा, तो सभी में माइनस वन चल रहा है तो पटना में भी माइनस वन करेंगे तो ओ जेड एस एम जेड राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। काउंटिंग फिगर का ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 2 3 4 इस तरीके से डालना है और प्लस वन बड़े वाला करना है, 5 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑल लेमन आर रेड, ऑल रेड आर जंप, तो ऑल लेमन आर रेड और ऑल रेड आर जंप इस तरीके से आपने बना लिया। तो यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन है देख लेते हैं। सम रेड आर लेमन, तो यहाँ पे सम रेड आर लेमन आपके हो जाएंगे, ठीक है, सम लेमन आर रेड, सॉरी सम रेड आर लेमन, तो सम वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ऑल जंप आर रेड, तो ऑल के जंप आर रेड नहीं हो सकते क्योंकि इसके ऊपर को वेन डायग्राम आएगा तो होगा, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोला सम जंप आर लेमन, तो सम जंप आर लेमन तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका पहला राइट होगा, दूसरा राइट होगा, ये सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 0 10 24 68 यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताना है, तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3 तो 24, 4 का क्यूब -4 तो आपका 68 और 5 का क्यूब -5 तो कितना हो जाएगा आपका 120, 5 का क्यूब 125 होगा, 125 में से 5 माइनस कर देंगे तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 मार्च 1995 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पे वही आपका डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, तो 7 से भाग कर देंगे तो डे आपका 16 है, मार्च के लिए 3 कोड यूज होता है, ईयर आपके 95 है और लीप ईयर आपके हो जाएंगे 23, ठीक है, क्योंकि 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, तो यही इतने नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 137 होगा, 137 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, तो आज आपका थर्सडे राइट आंसर हो जाएगा। 23 अक्टूबर को 1998 को कौन सा दिन था, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, तो डे 23 हो जाएगा, मंथ आपका अक्टूबर के लिए 0 कोड यूज होता है और 98 आपका ईयर हो जाएगा और यहाँ पे 24 आपका लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 145 आपका आएगा पूरा सम, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा रिमाइंडर। 5 कौन सा होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और 5 डे आपका होगा फ्राइडे, तो राइट आंसर आपका फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सी को 3 लिखा जाता है, एल ओ टी लोट को आपका 47 लिखा जाता है, मैप को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सी तीसरे नंबर पे आता है, सी लिखा गया, एल आपका 12वें पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है और टी आपका 20 पे आता है, इन सभी को प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा। मैप को आपको क्या करना है, एम आपका 13 पे आता है, ए आपका पहले पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, सभी को प्लस करेंगे तो 30 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका है 15 20 30 और 35 और 45, नेक्स्ट क्या आएगा, तो +5 +10 +5 इस तरीके से चलेगा, तो नेक्स्ट आपका 50 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और अभी मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, देखते हैं वीडियो कितनी बची, अगर ज़्यादा क्वेश्चन बच रहे होंगे तो उसके ये फिर मैं बाद में आपको PDF ही दे दूंगा, क्योंकि अब मेरे से पूरी वीडियो नहीं बनाई जा रही है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया 10वीं में कितने प्रतिशत पास हुए, तो 80% पास हुए, लड़के लड़कियाँ समान पास हुए, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बस एक आइडिया दिया गया है कि 10वीं में कितने प्रतिशत पास हुए, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते फिगर, कि यहाँ पे हो सकता था कि शायद 80% पास हुए तो ये वाला राइट हो जाता, बट 80% पास हुए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नेपाल में शांति बनाने के लिए फोर्स को लगाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे नेपाल छोटा देश है इससे कोई मतलब नहीं है, पूछा गया कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है नेपाल में पहले आर्मी भर्ती करानी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, आर्मी भर्ती कराए या नहीं कराए इससे मतलब नहीं है, पूछा गया कि शांति के लिए फोर्स लगाई जानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ओड वन आपको यहाँ पे बताना था, यहाँ पे बताना था एक बॉक्स था, उसके साइड में 4 आपके थे प्लस के साइन, फिर यहाँ पे प्लस के साइन 3 थे, फिर प्लस के साइन 2 थे, फिर 5 थे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 चल रही थी प्लस के साइन के 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, नेक्स्ट 1 के आना था, यहाँ पे 5 हो गए, तो गलत हो जाएगा।
इसकी मिरर इमेज बतानी थी आपको, तो जो मिरर के पास में होता पास में, तो मिरर के पास में ये वाला पोर्शन है, मिरर ये हो गया ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, इधर ऊपर भी ये वाला पोर्शन है, तो ये रहेगा दूर, ये है, ये दूर रहेगा और बाकी आप कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानवर हाथी घोड़ा, ये बन जाएगा, हाथी और घोड़ा दोनों ही जानवर होते हैं। फिर एक वैन रहेगा, हम पूछा था जानवर घोड़ा और जेब्रा, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए दोनों एक ही शिफ्ट में आए थे एक दिन, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, आप बना सकते हैं इसको भी इजीली। यहाँ पे नेक्स्ट था कि 4, 17, 30 और 45 को नेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, तो +13 +13 +13 चल रहा है, तो नेक्स्ट 43 में प्लस 13 करेंगे तो 56 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, सभी पुस्तकें पेन है, कोई भी पेन टेबल नहीं है, तो सभी के सभी पुस्तकें आपका क्या है, पेन है, और सभी कोई भी पेन टेबल नहीं है, तो इस तरीके से बन गया। सभी पेन पुस्तक है, तो आपका सभी के सभी पेन पुस्तक है तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक का वेन डायग्राम बाहर को होता तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं होगी। कोई भी पुस्तक टेबल नहीं है, तो कोई भी पुस्तक टेबल नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर पेन के साथ में टेबल का कोरिलेशन नहीं तो पुस्तक के साथ में भी नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी पुस्तक आपके पेन है। नेक्स्ट आपका रीजन को अगर ये लिखा जा रहा है तो आपको थिंग को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा आप, इसको इजिली कर लेंगे, बस +1 चल रहा है ठीक है, आर में +1 तो एस, ई में +1 तो एफ, ठीक है आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे देश की रक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं अगर कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है तो अपने देश की रक्षा के लिए ही बना रहा होगा ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, देश के लिए ही हानिकारक होंगे, तो हानिकारक के लिए तो वो परमाणु नहीं बना रहा होगा ठीक है, परमाणु हथियार। यहाँ पे मिरर इमेज ये पूछी गई थी, तो जैसे ऊपर मैंने अभी बताया था आपको, जो चीज़ें पास में रहती है तो पास में, ये पॉइंट पास में है तो पास में रहेगा ठीक है, बॉक्स तो आपका सेम ही रहेगा, और ये आपका जो छोटा सा बॉक्स है छोटा सा, ये आपका दूर रहेगा तो ये भी दूर रहेगा। इसमें आपको भिन्न बताना है, भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी में चार चार कोने हैं आपके ठीक है, इसमें भी चार चार आपके कोने हैं, इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका पी पी यू जी पी का आपको मिरर इमेज बतानी है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं ठीक है भाई, तो देखिए इसकी भी आप मिरर इमेज बना लेंगे। यहाँ पे लिखा है ए अपॉन में ई 5, बी अपॉन में एम 13, एफ अपॉन में 7, डी अपॉन में एच 8, तो यहाँ पे सभी के सभी देखिए ई 5वें नंबर पे आता है, एम 13 पे आता है, एच 8 पे आता है, बट एफ 7 पे नहीं आता है, तो आपका ये एफ 7 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या 79 को 39, फिर 19, फिर 9, फिर 4, फिर 1.5, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस 1 करते हैं फिर डिवाइड 2 से कर देते हैं, तो 79 में से माइनस 1 किया तो कितना होगा 78, 78 को डिवाइड किया 2 से तो 39, 39 में से 1 माइनस किया तो 38, 38 को 2 से डिवाइड किया 19, 19 में से माइनस 1 किया तो आपका 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 99, इसी तरीके से हम चलता रहेगा। नेक्स्ट माइनस 1 और 2 और 2 से डिवाइड, और माइनस 1 करेंगे 3, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5, तो 1. आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। 17 सितंबर 1982 को कौन सा दिन था, तो आपको क्या करना है, डे प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस ली ईप ईयर, तो डे आपका 17, मंथ कोड आपका सितंबर का 5 है, ईयर आपका 82, 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर 40, यहाँ पे 7 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी को प्लस करके 124, 7 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर का मतलब है फ्राइडे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे ओड वन आउट बताना था, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ब्रेक टायर और गियर, तो देखिए सारे के सारे विजिबल है और आपके जो मतलब टच हो सकते हैं ठीक है, बट यहाँ पे स्पीड को कभी आप टच नहीं कर सकते, ब्रेक को भी कर सकते हैं, टायर को भी कर सकते हैं, गियर को भी कर सकते हैं, तो ये आपका जो ओड वन आउट हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2, 9, 28, 65, 126 और 216 का आपका बताना है, तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, 3 का क्यूब प्लस 1 ठीक है, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे 4 का क्यूब प्लस 1, तो आपका 65 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है और 1 प्लस करेंगे तो 65 आपका राइट आंसर बन जाएगा ठीक है। यहाँ पे है एम को अगर 31 लिखा जाए, मैन को आपको ये लिखा जाए, तो वोन को क्या लिखा जाएगा, तो मैन को आपका 31 लिखा जाए तो उसको उल्टा कर दिया 13, आपका राइट आंसर मतलब इस तरीके से कर दिया गया ठीक है भाई, एम आपका 13 पे आता है उसको उल्टा कर देंगे तो 31, और मैन का आपका 13 पे आता है, एम ए आता है पहले पे और एन आता है 14 पे, सभी को उल्टा कर देंगे तो 31, 1 और 41, डब्ल्यू आपका आता है 23 पे, तो ओ आता है आपका 15 पे, एन आता है 14 पे, तो सभी को उल्टा करेंगे, 23 को 32 हो जाएगा उल्टा करेंगे, 15 को उल्टा करेंगे तो 51 हो जाएगा, 14 को उल्टा करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 4, 1, ये आपका कोड है भाई। देखिए अब देख लीजिए, वीडियो हो चुकी है आपकी खत्म, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, सारे के सारे मंथ के कोड हैं, तो देख लीजिएगा। मैंने आपको एक टारगेट दिया छोटा सा, कि अगर आप इस वीडियो को 5 से 6 हज़ार लाइक दे देते हैं तो एकदम पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, उससे पहले मैं पीडीएफ अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि मेहनत लगती है, आप लाइक बहुत कम करते हैं। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और इस
की पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मैंने पहली वीडियोज का भी लिंक दे रखा है नीचे, तो वहां से जाके आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं, मैथ की और जीके साइंस करंट अफेयर की पूरी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो है, उनको भी देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा, सब कुछ ठीक ठाक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर नहीं किया आपने, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।